देख लो बेटा, सारा सामान ले आई हूँ तुम्हारी बिरयानी का, चावल भी ले आई और मुर्गी भी, और देख लो और तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं थैंक यू आंटी। अच्छा, मेरी मदद की ज़रूरत है तुम्हें? नहीं नहीं मैं कर लूँगी सब। चलो ठीक है आंटी, वो मैं बिरयानी के साथ रायता बनाऊँ या चटनी? जो तुम्हारा दिल चाहता है वो बना लो। वो उस्मान को क्या पसंद है? उस्मान को तो जीरे वाला रायता पसंद है। हाँ तो ठीक है, फिर मैं बिरयानी के साथ ना जीरे वाला रायता बनाती हूँ। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। देख रही हैं अम्मी, आपका पूरा घर संभाल लिया है नताशा ने। वैसी अच्छी होती जा रही है। आपकी उस शफक से भी अच्छी है, दावे से कहती हूँ मैं। हाय, शफक का नाम सुनते ही दिल से एक आंस ही निकलती है मेरे। क्यों? अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था वो किसी और घर की बहू बनेगी। हमेशा से था कि वो ब्याह के मेरे घर आएगी। हाँ कह तो सही रही हैं अम्मी आप, मैंने भी उसे हमेशा अपनी भाभी के ही रूप में देखा। इसी राबे की लालच ने बड़ा गर्क कर दिया, वरना मुझे तो शफक बहुत पसंद थी। मैं दिल से उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। हाँ क्या किया जा सकता, सब किस्मत के खेल। बस बेटा, किस्मत पे तो बस नहीं चलाना मेरा। अच्छा छोड़े ना सब बातें, एक दफा नताशा आपके घर की बहू बन जाएगी ना, सबको भूल जाएंगे आप, शफक को भी। उस्मान माने भी तो ना। मान जाएगा, देखिएगा अपने मुंह से कहेगा कि मुझे नताशा से शादी करनी है। ये तुम कैसे कह सकती हो? कल नताशा के लिए फ्रूट चाट लाया था वो। सच? दिल आता जा रहा है उसका नताशा पर। ना करे वाकई दिल आ जाए, मेरा भी मसला हल हो। कर ही नहीं करे।